नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, लेकिन चटपटी और ना ही मज़ेदार बातें एक अपडेट है। जी हां, दो जवान जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए थे अश्लीलता भगाने के लिए, लेकिन अश्लीलता भगाते भगाते कब बड़े सुपरस्टार को, जी हाँ सुपरस्टारों को तमाम माँ बहन फैमिली तक के गाली गलौज के ऊपर चले जाते हैं और अब उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया हो चुका है। जी हाँ, लेकिन साथ ही साथ वो एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, यानी कि खेसारी लाल यादव जो केस किया था, जो विवेक सिंह जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने जो केस किया था उनके तहत नहीं है। क्या है मुद्दा, वाकई में ही जीतन राजे मांझी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है या फिर खेसारी लाल यादव वाला मामला वाला केस है, जानेंगे। कैमरामैन जूम कीजिए, दोनों शख्स हैं, अखिलेश कश्यप हैं, राजीव जी हैं, दोनों से जानेंगे। लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं, स्वागत है अखिलेश जी। प्रणाम भाई, भोजपुरी गॉसिप देखे वाला जितना भी भैया बा लोग, और ये हमारे बड़े भाई हैं राजीव शर्मा जी, तो गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की। एक बात बताइए, सबसे पहले राजीव जी आपसे जानना चाहूँगा, आप तमाम पहले सबसे पहले आप अपडेट करते हैं कि लिखते हैं कि केस नंबर फलाना फलाना फलाना, लेकिन साथ ही साथ इस पर एक मुद्दा चलता है कि एक इंटरव्यू के दौरान कहता है कि बंदा कोर्ट में जो भी है कि भाई मुझे SC ST एक्ट के तहत जो जीतम राम मांझी की तरफ से जो किया गया है, उनके जो युवा नेता हैं उनकी तरफ से गिरफ्तारी किया गया है, ना कि खेसारी लाल यादव जो केस किए गए हैं या विवेक भैया ने केस किया है, जिस तरीके से जान से मारने की धमकी या फिर उनको बेटी को रेप करने की धमकी ये वाली बात हो रही थी उसके तहत हुआ। आखिर मामला क्या है, ये केस नंबर क्या है, किसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई, दो जवान जो हैं? केस नंबर 131/22 है, जो गुरुआ थाना है, जो गौतम का थाना है, वहीं हम लोग विवेक भैया, हम और अखिलेश बाबा गए थे, लोग FIR किए हैं, लोग वहाँ का फोटो भी डाले हैं, हाँ फोटो भी डाले हैं, हम फोटो भी लिए थे, तो उसी केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अगर ये बात झूठा है तो ये पेपर आप पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो लोग का एक गलत काम रहता तब ना, मान लीजिए गिरफ्तारी हमारे केस में हो चाहे जीतन राम मांझी जी की केस में हो, आपका कोई हक नहीं है कि आप हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को आप गाली देंगे, हाँ आप किसी सुपरस्टार की माँ बहन की गाली देंगे। गिरफ्तारी किसी केस में हो, गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे में अगर सरकार के नज़रों में बच बच के अगर आप बचते चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको भी राह चलते कोई गाली देने लगेगा। किसी सुपरस्टार को जो पूरे बिहार UP और झारखंड को इंटरटेन कराता है, वो भी भोजपुरी का सबसे बड़ा चेहरा खेसारी लाल यादव, आज ग्लोबल पे नंबर 1 पे सर्च होते हैं, उनको आप माँ बहन की गाली दीजिएगा, ठीक है उनके साथ हम लोग काम करते हैं, किसको बख्शे हैं बताइए, भोजपुरी का ऐसा कौन सुपरस्टार है जिनको गाली नहीं दिए हैं ये लोग। तो गिरफ्तारी हुई है और उन पर बहुत सारा केस लगा है। हम तो बहुत दिन से हम लोग चुप थे, हम लोग सोच रहे थे कि चलिए भाई भोजपुरी एक परिवार है, यहाँ पे किसी को ना हम परेशान होना चाहते थे ना हम करना चाहते हैं किसी को। नहीं, खास करके इसलिए सवाल पूछा गया क्योंकि इस पर कई सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई खेसारी लाल यादव की जीत नहीं हुई है, वो केस फालतू में, मतलब वो अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। मुद्दा ये चीज़ है, यही चीज़ के लिए केस जो जीतन राम मांझी जी वाला है वो 6-7 महीने पहले हुआ था ना, 2021 में केस हुआ है, 2021 में केस हुआ है, हाँ ये जो गिरफ्तारी उन लोगों की हुई है, हम फोटो भी डाले हैं गुरुबा थाना पे, हम लोग दो दो बार घाया गए हैं, हम लोग केस किए हैं, हम लोग उसके, हम बोले भी थे आपके एक इंटरव्यू में कि हम लोग उसके घर तक पहुँचे हैं, तो केस की जो हम लोगों का नंबर है, जो केस नंबर है उसी में उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो विवेक भैया ने, खेसारी भैया के जो मैनेजर हैं उन्होंने जो गुरुबा थाना में केस किया है उसके अंतर्गत हुआ है। और अब जहाँ से भी केस हुआ है सब केस खुलेंगे और सबका बहस होगा कोर्ट में और सब पे कार्रवाई होगी, सब केस का हिसाब होगा, जितने लोग किए हैं अभी वो लोग कितना दिन अंदर रहेंगे, और जो कल उन लोग का एक वीडियो देखे कि ये हो गया वो हो गया हम डरने वाले, वो अपना जिंदगी में आता ना पिटाइल ना हुई लोग जितना पिटाइल बेलो। खास करके इंटरव्यू के दौरान तो कह रहा है कि शब्द यूज नहीं करता हूँ मोस्टली, लेकिन वो कह रहा है कि खेसड़िया हो चाहे खेसड़िया के पापा हो, अगली बार आएंगे तो इससे 3 गुना स्पीड में आएंगे। तो भैया ये क्या है, आपको बता दें कि तुम आओगे 3 गुना स्पीड से और हम तुमको जेल भेजवाएंगे 300 गुना स्पीड से, याद रखना तुमसे ज्यादा खतरा है,
तुम दरियाना जानते हो, हम तुमको जेल भेजवाना जानते हैं। मराया है कि उसकी बेचैनी इतनी बड़ी हुई थी कि वो खेसारी भैया को भाई ऑन कैमरा नहीं रहता तो गाली भी देता है। जेल नहीं, उसको ये कॉन्फिडेंस था, कोई बोल दिया था कि तुम्हारा बहरे से बहरे हम लोग बेल करा देंगे। बेल भी डाला है वो लोग, एंटी सेपरेटरी बेल डाला है। वो अपने कुछ समर्थकों को तथाकथित गाँव के लोग थे, उसको बुला के बुलाया था कि अब हम लोग यहीं से निकल जाएंगे, इसलिए इतना घमंड में बोल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो वो थोड़ी चलता है, और कानून से लंबा हाथ किसी का होता है जी। आज एसटीएससी केस में उसका रिमांड भी हो गया। आपको खुशी बता दें कि आप लोगों के लिए अपडेट है कि एसटीएससी केस जो जीतन रामा जी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो अपशब्द बोला था, उस केस में इसके आज रिमांड भी हुआ है। कल भैया के खेसारी भैया केस में 131/22 में जेल गया, और आज 33/21 जो केस है हरजन एक्ट जो कि मुकेश भाई ने किया है, उसमें इनकी आज रिमांड भी हो गई है। अब ये जल्दी बेल पे आने वाले नहीं हैं। और इनका पता है, एक अपडेट और बता रहे हैं, समर बाबू का इंगेजमेंट होने वाला था 16 तारीख, ठीक है, इंगेजमेंट होने वाला था, और ये भोपाल से दुर्ग आ रहे थे, दुर्ग आ रहे थे, और स्टेशन से बाहर एक कैरी लेके, और एक इनकी साथ छोटी बहन थी, मेरी भी बहन लगेगी, इनकी बहन है तो मेरी बहन है, हम लोग भाई तुम्हारे माँ हमारी माँ है, लेकिन तुम अब मेरी माँ को माँ समझ रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारी भूल है। लेकिन वो छोटी बच्ची थी इनके साथ, स्टेशन से बाहर निकले तब तक ये बात बताइए, क्या पकड़वाने में जैसे कहते हैं कि आप साथ में थे, क्या आप पूरा डिटेल में आप बता रहे हैं इस तरीके में, क्या आप वाक्य में ही उस ट्रेन में आप भी थे क्या? ट्रेन में मैं इनका पीछा भोपाल से कर रहा था, ये भोपाल जब 4 बजे स्टेशन पर चढ़े तब से मैं इनका पीछा कर रहा था, और दुर्ग तक मैं आया, और दुर्ग स्टेशन के पास। हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ, कि मतलब ये अकेले थे, लेकिन हाँ, दो तीन बार प्रशासन को लोग धोखा दे चुके थे, ये दो बार छापा छत्तीसगढ़ में ये लोग जाके मारे थे, और वो लोग को पता चल जाता था तो निकल जाते थे, लेकिन राजीव जी लगे हुए थे। तो देखिए, जब बात मान सम्मान किया जाती है और भोजपुरी की गरिमा की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा? मान लीजिए भोजपुरी के सारे कलाकारों को गाली दे रहा था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस फेसबुक पे आके बोल रहा है, नहीं हम लोग 6-6 घंटा जाम सह के गए गया में जाके केस किए, और केस करने के बाद हम लोग उस केस को इतना आसानी से छोड़े नहीं, हम लोग पर डे उस केस के आईओ से, थाना प्रभारी से, और सबसे बड़ा योगदान हम एसएसपी मैम को देंगे, मनु महाराज सर को देंगे। इसमें सब लोग से हम लोग शिकायत किए थे कि भाई हमारी माँ बहनों की इसमें क्या कसूर है, आप हमें गाली दीजिए, हमें गलत बोलिए, अगर हम गलत करते हैं तो हमें गलत। और यहाँ से भोजपुरी में ऐसा नहीं है कि वो लोग हम लोग अश्लीलता को सच में दूर करना चाहते हैं, कि अश्लील हमारे भोजपुरी में है ही नहीं, धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा। टेक्निकल सेल को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, सही बात फिर से टेक्निकल सेल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मणिकांत दुबे जी हैं, पिंटू भाई हैं, एक और एएसआई सर हैं मुजफ्फरपुर से ही हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग लगे थे। और शादी होने वाला था, एंगेजमेंट आप ही कह रहे हो, एंगेजमेंट तो टूट गया कि होगा, क्योंकि ये लोग बहुत अश्लीलता का मुद्दा उठाते थे, कहते थे कि हम माँ बहन बेटियों की बड़ी इज्जत करते हैं। बताइए ये अश्लीलता का मुद्दा कहाँ उठाया था? अश्लीलता का मतलब क्या होता है? हम अगर जब साफ सुथरा रहेंगे तब ना अश्लीलता का विरोध करेंगे। इसका वीडियो देखिएगा, एक वीडियो में लाइव गाना बजा रहा है और उसमें माँ बहन की दम भर गाली दे रहा है, ये अश्लीलता दूर करने वाला है? अब क्या हो गया? अब इनके कितने लोग हैं कि तिली इनसे बात करता था, तिली उनको सबको, किसी अक्षरा सिंह को कचरा सिंह बोलता था, मुझे कोठा पुत्र बोलता था, भैया को कुछ और बोलता था, पवन भैया को नाभी नरेश बोलता था। तो क्या है अब, क्या है अब? तो भोजपुरी के सारे लोग जगे हुए हैं, अगर किसी भोजपुरी सुपरस्टारों में अगर इंसानियत होगी ना, तो यहाँ से भी अब भी समझदारी का समय आ गया है कि अभी एक हो जाइए आप लोग, समझिए आप लोग हमारा सपोर्ट भी नहीं किया, और जितने लोग हम लोग का सपोर्ट किए सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे कदम में कदम मिलाया और हम लोगों को अकेला नहीं होने दिया, और जितने लोग सपोर्ट नहीं किए हैं उन लोगों की भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ऐसे ही कोई गाली दे के आएगा फिर चला जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं किए, हम लोग एक्शन किए, आज बिहार सरकार ने हमारा साथ दिया, गया पुलिस ने दिया, आज देखिए वो सलाखों के बीच। केस को और मजबूत करने के लिए क्या क्या करने वाले, क्योंकि अब तो अरेस्ट हो गया, तो अब कहीं ना कहीं जो पीछे से सौम्या पोखरेल को लेकर जिस तरीके से बहुत टारगेट किया था, और सौम्या पोखरेल की बात के खुशबू उत्तम को टारगेट कर रहा था, तो अब कहीं ना कहीं केस को और मजबूत करने की बात कहीं ना कहीं मीडिया में होनी चाहिए। खुशबू उत्तम वो हमारी बिहार की बेटी हैं दोनों, और उन लोगों को जो गाली दिया है गंदी गंदी गालियों से उन लोगों को नवाजा है, तो वो भी केस खुलेगा, सब केस में सुनवाई होगी, हमें भरोसा है अपने
कोर्ट पे, अपने जज पे, अपने लॉयर पे, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग मगहिया जवान के भी सपोर्ट में कुछ लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये झूठ है, सारा चीज प्रोपेगंडा बनाया गया है, लेकिन क्या है ये, क्या उनके लिए क्या चीज करना है? वो लोग बहुत तेज आदमी है मगहिया जवान, वो लोग पब्लिकली दिखाने के लिए बोल रहा है कि ये ऐसे ऐसे थपरी पीट रहा था, ये वो बोल रहा था। उन लोगों की लाइव पिटाई हम देखे थे, हाँ हमको पता है कि उन लोग कितना पिटाए हैं और कितना मराए हैं प्रशासन से। आपको लगता है कि प्रशासन दुर्ग जा कर अरेस्ट कर रही है, आपको फूल बरसाते लगेगी कि चलिए सर आपका जेल में इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो कहीं ना कहीं जो है, जो मुद्दा है, एक बात बताइए अब क्या करने वाले हैं अब, क्योंकि बेल भी आपने बताया कि रिजेक्ट होने हो गया है, अब क्या? अच्छा मैं आप सुन ले, आप होशियार हो जाओ, हम बुरबक बनी हैं। अच्छा अच्छा, ये हम कह के ये अरेस्ट कर रहे रह, सब सीक्रेट है, मान के चली भाग ना कर रही। हम लोग इतना दिन से सीक्रेट ही थे, हम लोग कहीं बोलने गए थे कि हमारा एफआईआर हुआ, हम अरेस्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम ये बुरबक थोड़े बनी सन, जो कोरम सन, जो काम आप देखिएगा सामने आएगा, यहाँ से देख लीजिए आपके न्यूज के माध्यम से, और बता देते हैं जो भी भोजपुरी भाषा को गाली देता है, जो भी टॉर्चर कर रहा है किसी भी कलाकार को, कलाकार इतना कमजोर नहीं है कि आप माँ बहन के हम लोग को गालियाँ दीजिएगा हम सुनेंगे, उसके साथ यही हस्त्र होगा जो इन लोग के साथ हुआ है। हाँ, बहुत लोग नंबर में हैं, अभी अभी बताएंगे नहीं। मोतिहारी एसपी साहब से ही बात हुई है, मोतिहारी एसपी साहब से बात हुई, आप सुने ही हैं। वो मामला बाद में बात करेंगे। सिंपल सी बात है, जितने भी दर्शक मैं आपको बता देता हूँ कि जो मगहिया जवान, जो दो जवान थे जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा अफवाह उड़ रहा है कि भैया एसटी एक्ट में नहीं गिरफ्तार हुए हैं, उनको बता देता हूं कि भैया उनमें नहीं गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि खेसारी लाल यादव का जो मामला उसमें गिरफ्तार हुए हैं, और साथ ही साथ जो एसटी एक्ट वाला है वो भी, दोनों मामला एक साथ चल रहा है। उसमें वो हिंदुस्तान में दिया है कि भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के विरुद्ध अपशब्द बोलने और गाली गलौज करने वाले के आरोप में गुरुवा पुलिस ने दो युवकों को छत्तीसगढ़ दुर्ग से गिरफ्तार। देखिए ये है वहाँ का हिंदुस्तान, नॉलेज नहीं है जो पक्षपात कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान का पेपर मंगाए और पोस्ट किए हैं फेसबुक पे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे भैया के ही केस में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और केस तो सब है, तो सब में गिरफ्तारी हुई है, जितने लोग सब में गिरफ्तारी हुई है। जीतनराम मांझी जो हमारे बिहार के किसान है और हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय है हम लोग के लिए, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों के विरोध अपना आवाज़ उठाया, और अपने उनके कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके प्रवक्ता भी हैं उन दानिश भाई, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, मीडिया में है वो, तो सब लोग आए थे, सब लोग बोले कि नहीं गलत है, उसको करना चाहिए। अब गालना गाओ तनी हो, हमारा बेटी बहन कर रोकर आए है अश्लील हम कर तनी मान के चली, तो हम लोग ना सुने के चाहिए। लोग कहे ओकरा मिलियन पर मिलियन ठेल देता है, कोको कोला देखी है 400 मिलियन 500 मिलियन, बाप रे गर्दा यहीं का प्यार आशीर्वाद देते रहे लोग, लेकिन बोले काम चल गए सन जहाँ जाए के 6 महीना के बाद अयो सन, आ वो कोनो ठीक ना अयो सन कि साल भर लगी, अभी तो देखी ना कितना केस खुलता, क्योंकि इनका एड्रेस सब लोग नहीं जानते थे, इसलिए इन पर केस नहीं कर पाते थे। हम लोग मेहनत किए, हम लोग को बुरा लगा और अपने ईगो पे लिए कि नहीं हम हमारे भैया को गाली दिया, हमने एड्रेस निकाला, इस पर FIR किया और जेल भी भेजवाया। और ये बोले कल इनका मीडिया में सुन रहे थे, कोई न्यूज़ वाले को बता रहे थे कि 3 गुना अश्लील मुक्त कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 गुना आप तेज़ी से आप गाली दीजिएगा ना, खेसरिया कह रहे हैं ना अभी लाजे नहीं है, जेल चले गए लाजे नहीं है, मतलब जोर ना होला कि जोर जोर जाला, लेकिन ठलवा होकर ना जोरेला। अरे तो भाई उसको तो भाई पब्लिक के नज़र में वो लोग तो हीरो बनना चाहता था, अब भाई सोइले ठीक होइला के बाद दे हिझार के ठीक बड़ तो ठीके बा, बोल रहा था कि मेरी दो दो बेटी है, हम गलत नहीं करेंगे सर, दो दो बेटी है, गलत नहीं करेंगे, ठीक है तुम मत गलत करो, वो बेटी तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है वो, हम उसका सम्मान करते हैं, 2 साल की और 3 साल की इनकी बच्ची भी है, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे बच्चे हैं वो। मैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट में ये जितने जो फैंस हैं या फिर जितने भी दर्शक हैं, जिस तरीके से जो दिमाग में उनको जो उथल पुथल मच रही थी, या फिर जो सुपरस्टार अभी तक साथ सपोर्ट में नहीं है आपके साथ में इंडस्ट्री में, उनके लिए सख्त मैसेज को बात करेंगे कि हमारा भोजपुरी परिवार है, अगर कोई साथ दिया तो ठीक है, नहीं भी दिया तो ठीक है, लेकिन आगे से संभलने की बारी है,
ये मगहिया जवान गया नहीं है, ऐसे कितने मगहिया जवान और आ जाएंगे अगर हम लोग खड़े नहीं हुए, हम लोग अपनी प्रतिष्ठा अपने स्वाभिमान के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे कितने मगहिया जवान आएंगे और कितने ऐसे लोग आएंगे जो हमारी माँ बहनों को गाली दे के जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्या? तो हम लोग पैसा कमा रहे, ये पैसा किस काम का? जब हमारे किए में हमारी वाइफ पूछ दी महाराज एक दिन देख रही कि ये आपको गाली क्यों दे रहा है, हम कितना प्रतिष्ठा बचाएंगे? हम अपने आप के नज़रों में गिरते जा रहे थे, हम लोग हम अपने लोगों के नज़रों में गिरते जा रहे थे कि ये पैसा ये शोहरत ये नाम कमा के क्या करेंगे। जो आए गए कोई भी इंसान आता है 2 रुपये के लालच में, थोड़ा सा नाम करने की लालच में, वायरल होने के चलते किसी को माँ बहन की गाली दे देता है। आप मेहनत करके नाम करिए, हम लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, हम लोग का मेहनत आप देख लीजिएगा, कोई तो हिल जाएगा। आज भी कंटिन्यू 4 दिन से हम लोग 6 बजे सुबह में सोते हैं, तो हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग का नाम अगर हुआ है, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेहनत करके पहुँचे हैं, किसी को गाली देकर थोड़े पहुँचे हैं, किसी का घर में डाका डाल के थोड़े पहुँचे हैं, किसी का बुरा करके नहीं पहुँचे हैं, हम लोग मेहनत किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, गरीबी देखे हैं, कष्ट देखे हैं, वो सब दिन देखे हैं, तब यहाँ तक आदमी आया है कि हमको आज दो लोग जानते हैं, चाहे हमारे लिखे गाने बज रहे हैं। हाँ, अश्लील तो वही ना कर सकता है जो खुद अश्लील नहीं है, जो खुद अश्लील है वो अश्लील मुक्त क्या करेगा? उनका ऐसा ऐसा ऑडियो मेरे पास है, इतना दिन से करते हैं, कितना उनके मुंह से कोई गाली सुना है बताइए? आज नंद कुमार तिवारी ठीक है, उन्हीं के केस में एक विमलेश राज यादव है, हमारे बक्सर जेल में ही बंद है, तो आज वो गाली दे रहा था उस पर केस किए नंद कुमार बाबा। अच्छी बात है, बुगाए। देखिए अश्लीलता का विरोध करने का तरीका भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा एक बात बताइए, हम आपको गाली दे के समझा सकते हैं, हम आपको लज्जित ऐसे भी कर सकते हैं कि महाराज शर्म नहीं आ रहा है, काहे आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप में इंसानियत होगा, आप पढ़े लिखे लोग होंगे तो आपके आचरण पे कोई एक उंगली उठा दिया इज्जत से भी तो भी आपको शर्म आएगा। तो अश्लीलता हमारे भोजपुरी में विरोध करते हैं नंद कुमार बाबा, उनका हम सम्मान करते हैं, जब भी मुझे मिलते हैं तो डायरेक्ट आँख में आँख डाल के बात करते हैं। हाँ, अश्लील गाना आज कोको को लगाना बज रहा है, उसके बारे में कोई बोला एक भी बात? कोई तारीफ किया कि अच्छे गाने हैं, अच्छे गाने का मैं प्रचार करूंगा, क्यों नहीं किए आप बताइए? पर्सनली खेसारी लाल यादव को ये लोग टारगेट करते थे, पर्सनली खेसारी जी को ही टारगेट करते थे। नहीं गाया, कौन अश्लीलता नहीं गाया है, लेकिन सिर्फ खेसारी लाल यादव का विरोध होता है, सब लोग तो कोई कमजोर है? अच्छा, आप लोग साजिश करके खेसारी जी को गिरा सकते हैं, लेकिन बिहार यूपी झारखंड की जितनी पब्लिक, जितने फैन है खेसारी भैया के, उनके नज़रों में आप गिरा पाएंगे? जिनके दिल में दिमाग में कोई यहाँ टैटू बनवाता है, कोई यहाँ बनवाता है, कोई उनके लिए जीता मरता है, तो उसके आप नज़रों से कभी गिरा पाएंगे जी? हाँ, एक शो होता है, एक बोली पर जहाँ 10-10 लाख लोग जाके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे झारखंड हो, कहाँ उनके चाहने वाले लोग नहीं है? इतने लोगों की दुआ लेके जो इंसान चल रहा है उसको आप थोड़ा परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। आज वही हुआ, आज गाली देने वाले वो क्या किए, बस एक पोस्ट किए थे, ना वो गाली दिए, ना कभी बोले कि उन लोग का बिगाड़ दो, लेकिन हम लोग जब एक्शन, हम किसी को मारने झगड़ने थोड़े जाएंगे, हमारे लिए कानून बना है, कोर्ट बना है, हम कानून के पास गए, अपना फरियाद सुनाए, कानून अपना काम कर रहा है, हम बात खत्म, जेल भेज देंगे, कानून का काम है जेल भेजना, हमारा काम है FIR करना, हम केस करेंगे, केस जांच होगा, सुपरवाइज होगा, केस ट्रू होगा, आप जेल जाओगे, अब हम थोड़ी आपको जेल भेजेंगे, हम आपको थोड़ी पीटने जाएंगे और आपको हम थोड़ी कर जाएंगे। भैया के मुँह से आप कभी गाली सुने हैं? भैया के बारे में इतना आप शब्द बोलता है कभी सुना है? आज तक हम लोग 5-7 साल से हैं उनके साथ में, आज तक वो रिश्ते में कभी तुम तड़ाक तक नहीं बोले। जितने भी इंसान है सबको प्यार करते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस इंसान को, उस बेटी को ये लोग बोलता है, उस परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, हमारे बारे में, हमारे घर के लोगों के बारे में, हमारी बहन के बारे में हमेशा उल्टा। कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ उससे मैसेज साफ चला गया कि भैया अब करोगे, अब सीधा सीधी अब ठीक हो। हाँ जी, इंजन गाड़ी दी, अभी 2-3 जना डायरेक्टर बाण टारगेट में, वो कोनो भाई हमें है कोई जो हमेशा गाली देता रहता है, सत्या भाई की सूर्या भाई करके कोई है, उन पे भी केस करने वाले हैं, वो भी हमेशा भैया को गाली देते रहते हैं, हमें गाली देते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उन पे भी बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे, वो कोनो मुकुट नाम के उन पे तो किए बात हो रही। हाँ, उन पे सब लोग जाएंगे अंदर, जितना लोग गाली देंगे वो सब लोग अंदर जाएंगे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं किसी भैया, वो मेरे टीम के लोग दे या मेरे समर्थक अगर किसी और को दे। हाँ, हमारे भी लोग हैं, हमारे साथ भी रहने वाले लोग अगर लाइव आके किसी कलाकार को गाली दे रहे हैं, चाहे वो कोई न्यूज वाले हो, चाहे कोई भी हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग साथ हैं, नहीं है लेकिन हम आपके साथ हैं। हाँ, किसी को गाली, अगर आपको, आप न्यूज वाले हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप किसी को गाली, चाहे फेसबुक वाले हों, कोई भी हो, चाहे किसी के फैन हो, अगर किसी को कोई गाली देता है उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, पवन भैया कोई गाली देता है फिर भी हम लोग साथ देंगे।
कि कार्रवाई कीजिए भैया। यही तो चीज़ चाहिए कि ऐसा होता है, दो इंडस्ट्री में बटा हुआ था, उनके फैंस उनको गरियाते हैं, यहाँ वहाँ पे चीज़ है। इंसानियत और भोजपुरी, हम लोग भोजपुरी भाषा के लिए, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे कल्लू जी हो, कोई भी हो, किसी को कोई गाली देगा, किसी का सपोर्ट नहीं, हम लोग को सपोर्ट नहीं, हम भोजपुरी का भाषा का सपोर्ट करेंगे। ऐसे कलाकारों के साथ होगा उसके खिलाफ एफ आई आर करेंगे, तुरंत जेल जाएगा। रंग इसको नहीं दिया जाए, जात जो गलत है, हम ब्राह्मण है, वो भाई मेरा राजपूत है, हम हमारे साथ तो 24 आवर रहने वाले सबसे ज्यादा राजपूत है, यहाँ जात पात की बात आ गई। हम जिसके साथ काम करते हैं वो यादव है, हम ब्राह्मण है, तो जात पात कहाँ है यहाँ, कोई जात पात नहीं है। हम लोग कार्रवाई करेंगे, कोई भी गाली देगा, हमारे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से हमारे परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं बोले, सब कुछ सही। आप हमें बोलिए गलत, हम अगर गलती करें तो हमें बोलिए, हमारी माँ बहन इतनी सस्ती नहीं है कि आप गाली देंगे हम बर्दाश्त करेंगे, ये नहीं होगा। आप जो गाली देगा उसके खिलाफ टप दे, हम पूरा सब थाना प्रभारी से सब लोग का नंबर लेके रखें, तुरंत फ़ोन करेंगे कि सर कहाँ है, थाना पे है, हाँ तो एक एफ आई आर लीजिए और 2 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। हाँ, हमारा मुद्दा यही है, जी इंजाना गाड़ी दियन उनका जेल जाहीं के बाद। ओके ठीक बा, धन्यवाद, सब लोग को प्रणाम।